वाटिका कांड या वाटिका आने वाली मूवी, उसके जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है जावेद फारूकी। नीलेश सांबरे का अपने घर से इसने पैसा बांटा कांग्रेस के नगर कुछ नगर लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैसे दे के भेजा और वो रैली में, नॉमिनेशन के रैली में भेजा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी खुद कर रहा है और पूरे शहर को मालूम हो जाएगा। ये जावेद फारूकी जो है आरएसएस माइंड का है, बीजेपी माइंड का है। शोएब भाई के नेतृत्व में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है लीड किए थे। जो मीटिंग वाटिका कांड जो मूवी चल रही है वो इसके घर से होने, जावेद फारूकी के घर से मीटिंग होने वाली थी। अपना बचने के लिए बार बार ये डिजिटल मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं अपना बचने के लिए। तो नौ कारपोरेटर जो है कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई किया? कांग्रेस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उस नौ कारपोरेटर में चार कारपोरेटर ऐसे थे जो रईस शेख साहब के लाडले थे। गाँव में जब पूरा देश राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं तो जितने कांग्रेस के लीडर हैं भिवंडी में वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या किसी तरीके से वोट ट्रांसफर किया जाए नीलेश सांबरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इसमें शामिल थे दयानंद चोरगे, रानी अग्रवाल, सुरेश टावरे, इरफान पटेल, एक कोई चिकलेकर करके है, वो बहुत सारे ऐसे लोग के रसिक ताहिर हमेशा से वो गद्दारी करते आए। और सच में अभी पो गांव की सभा हुई, इतनी बड़ी सभा हुई, दिल्ली से केजरीवाल आए, संजय सिंह आए, बड़े बड़े लीडर आए, मगर कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी प्रदेश का नहीं आया। और खुद रशीद ताहिर सभा छोड़कर चले गए, क्यों चले गए? आज का पत्रकार परिषद जो हमने रखा है उसका विषय है वाटिका कांड या वाटिका आने वाली मूवी, उसके जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है जावेद फारूकी। जैसा शहर में चल रहा आपको बता दूं कि वो जो पूरा मैनेजमेंट और जो रखा गया था वो जावेद फारूकी ने रखा था। उसका कारण ये है कि ईद के दो दिन पहले ये जो है सांबरे, नीलेश सांबरे का अपने घर से इसने पैसा बांटा कांग्रेस के नगर कुछ नगर सेवकों को, कुछ पदाधिकारियों को। उसके बाद नीलेश सांबरे जब फॉर्म भरने जा रहे थे, नॉमिनेशन करने जा रहे थे, तो अपने ऑफिस से बहुत सारे लोगों को पैसे दे के भेजा और वो रैली में, नॉमिनेशन के रैली में भेजा। और इसने जो कुछ इल्ज़ाम लगाया है कि 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था थाना में बालिया मामा के फेवर में, तो ये खुद उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उसमें शामिल थे, ये वहाँ क्या कर रहे थे, ये खुद उसमें शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाहर घूम नहीं रहे थे, आखिर वहाँ क्या करने गए थे? ये कोई मीडिया वाले तो ऐसे है नहीं। और 18 नगर सेवक का और एक इल्ज़ाम लगा रहे, पॉइंट 18 नगर सेवक, जो राष्ट्रवादी के 18 नगर सेवक शामिल हुए एनसीपी में, पहले इन्होंने खुद शामिल करवाया, पहले वो अच्छे लग रहे थे आज बुरे लग रहे हैं। फिर उन्होंने एक सवाल उठाया 35 नगर सेवक का कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वालिया मामा के लिए 2019 में सुरेश टावरे के विरोध, कोई विरोध में नहीं गया था। ये डेमोक्रेटिक मतलब पार्टी में या ऐसे माहौल में होता है जब टिकट पाने के पहले बाद में कोई विरोध नहीं किया, पहले विरोध किए थे उसमें। आज भी 17 नगर सेवक कांग्रेस में, अब ये कांग्रेस जवाब दे कि वो 17 नगर सेवक पे इन्होंने क्या कार्रवाई किया, ये 17 नगर सेवक के साथ आज भी घूम रहे। कहने का मतलब ये जो पूरा प्रकरण वाटिका का हुआ इसमें मास्टरमाइंड और इसमें शामिल पूरा शहर जानता है कि जावेद फारूकी इसमें खुद शामिल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी खुद कर रहा है और पूरे शहर को मालूम हो जाएगा। भिवंडी में जितने लीडर जनता है ना सबको मालूम हो जाएगा। ये जो है ना संदीप साहब, ये जो है पहला एपिसोड है, अभी बहुत सारे एपिसोड हमारे पास हैं और जनता के बीच में बताएंगे। ये जावेद फारूकी जो है आरएसएस माइंड का है, बीजेपी माइंड का है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये जो है 2017 के पहले ये बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी थे, और शोएब भाई ने 2017 में अशोक चौहान साहब जब आए तो इन्होंने कांग्रेस में शोएब भाई ने इनको शामिल कराया। लेकिन इस आदमी की फितरत है, इस आदमी की सोच है। अब ये बीजेपी वाले सुपारी दिए थे जावेद फारूकी को कि कौन दिया था नहीं मालूम। आज पूरा देश, पूरी शहर
लोकतंत्र बचाने में लगा है, संविधान बचाने में लगा है, और ये जो है वो डाइवर्सन की इनको जिम्मेदारी डिवाइड करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने कम्युनिटी लोगों का जितना वोट तुम सांबरे को दिलाओगे बीजेपी का फायदा होगा। तो इसका सबसे बड़ा गद्दार और जिम्मेदार जावेद फारूकी है, इस पर कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक कुछ और इल्ज़ाम लगाया था 2019 में कि भिवंडी शहर में चुनाव के टाइम टेबल नहीं लगे थे। जावेद फारूकी को ये चीज़ शायद मालूम नहीं है, पूरे शहर में पोलिंग बूथ पे हर जगह C-13 फार्म हम लोग चुनाव के बाद जो है सारा देते टेबल। हाँ, कुछ अफवाह आई थी कि ग्रामीण में टेबल नहीं लगा था, तो उसके जिम्मेदार स्वयं भाई नहीं है, उसके जिम्मेदार जो चुनाव लड़ता है या मैनेजमेंट रहता है वो रहता है। दूसरी बात, भिवंडी शहर में 2019 में स्वयं भाई के नेतृत्व में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है लीड किए थे। अब इस लीड का सेहरा किसको मिलना चाहिए भाई? इल्जाम तो लगा रहे हो लेकिन लीड का सेहरा भी जो उस टाइम अध्यक्ष रहता है उसको मिलती है। अब आप जो है इसका जो क्रेडिट दूसरे को दे रहे हो, क्रेडिट जो है उस टाइम जो मिलेगा तो स्वयं भाई को ही मिलेगा। ये वाटिका कांड हुई थी, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ अपनी बात। वो जो मीटिंग ना 18 तारीख को इसके घर पे होने वाले थी, जो मीटिंग वाटिका कांड जो मूवी चल रही है वो इसके घर से होने, जावेद फारूकी के घर से मीटिंग होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों ने विरोध किया तो वाटिका में मीटिंग रखी गई है। इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैनेजमेंट टोटल जावेद फारूकी है, पूरा शहर जानता। अपना बचने के लिए बार बार ये डिजिटल मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं अपना बचने के लिए, लेकिन अगले नेक्स्ट एपिसोड में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वाटिका की जो पिक्चर रिलीज हो, उसके बारे में आपको क्या मालूम? मुझको ये मालूम है कि उसमें जो 9 कॉर्पोरेटर जो है कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई किया, कांग्रेस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उस 9 कॉर्पोरेटर में 4 कॉर्पोरेटर ऐसे थे जो रईस शेख साहब के लाडले थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या कार्रवाई किया उस पर जो है 9 कॉर्पोरेटर के बारे में जावेद फारूकी को बोलना चाहिए कि कांग्रेस का एक पदाधिकारी बनता है और गद्दारी करता है, 9 कॉर्पोरेटर को इसको बोलना चाहिए कि क्या कार्रवाई की। इसमें आपके पार्टी की भी नगर सेवक का नाम आया है, उस पर पार्टी नेतृत्व उस पर फैसला करेगी। रशीद ताहिर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूरा शहर जानता है कि वो आदमी हमेशा पार्टी विरोध में काम करते हैं, कोई भी चुनाव पूरा शहर जानता है। और इस चुनाव में जब पूरा देश राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं तो जितने कांग्रेस के लीडर हैं भिवंडी में वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या किसी तरीके से वोट ट्रांसफर किया जाए नीलेश सांबरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इसमें शामिल थे दयानंद चोरगे, रानी अग्रवाल, सुरेश टावरे, इरफान पटेल, एक कोई चिकलेकर करके है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये अफसोस की बात है कि एक मतलब पूरा शहर और पूरा देश पीएम बनाना चाहते हैं और ये राहुल गांधी के विरोध में काम करे, इंडिया अलायंस का काम ही नहीं किए लोग। कि रशीद ताहिर हमेशा से वो गद्दारी करते आए, और इस अभी पो गांव की सभा हुई, इतनी बड़ी सभा हुई, दिल्ली से केजरीवाल आए, संजय सिंह आए, बड़े बड़े लीडर आए, मगर कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी प्रदेश का नहीं आया, और खुद रशीद ताहिर सभा छोड़कर चले गए। क्यों चले गए, क्या चाहते हैं वो? क्या हमारे अध्यक्ष को हरेसमेंट करना चाहते थे, चुनाव को खराब करना चाहते थे? उनके क्या नीयत है? शुरू से वो हमारे अपोज में रहे। कांग्रेस भिवंडी शहर में हमेशा गद्दारी का काम किए, और ये मैं तुमको बता दूं, ये आज के गद्दार नहीं है, 1990 में जब सलाम आजमी खड़े थे तो रशीद ताहिर मोमिन कांग्रेस के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, और वो अपना टावरे, प्रशांत टावरे साहब का काम कर रहे थे। ये शुरू से गद्दार हैं, हमेशा गद्दारी करते आए, और ये इनकी गद्दारी और इनकी जावेद फारूकी क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 18 को लेकर आए, उनकी एक लालच थी, वो अध्यक्ष बनना चाहते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का,
लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विंग है वो ऐसे लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाती, उसको एक सक्षम अध्यक्ष चाहिए था जो स्वयं गुड्डू के उसमें आया। उनको फौरन लाया गया, उनको अध्यक्ष पद सौंप दिया गया। आज भिवंडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्वयं गुड्डू के नेतृत्व में एक अच्छा मुकाम हासिल करी है। यही जलन, यही हसद, यही मक्कारी जावेद फारूकी की, जो हमेशा स्वयं गुड्डू का और हमारे अध्यक्ष को टारगेट करते रहते हैं। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ, अब से बाज आ जाओ, वरना आप जैसा बोलते हो हम तो सड़क पे भी आ सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, तुमसे कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि 6 विधानसभा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर कोई एंट्री नहीं किया। और आपने देखा होगा पूरे शहर में कांग्रेस का कौन सा लाइव चला है, कहीं इन लोगों ने इतना कन्विंसिंग नहीं किया। जावेद फारूकी जबकि पूर्व के अपना निरीक्षक है कांग्रेस के, वहाँ दिखाई नहीं है। किसी से भी आप पूर्व में पूछ लेना, क्या वहाँ जावेद फारूकी ने कोई प्रोग्राम किया, किसी से अपील की, कभी विजिट किया? नहीं किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे कैंडिडेट को बदनाम करना और हमारे कैंडिडेट को कमज़ोर करने का काम किया है। और हमारा कैंडिडेट आज भी मैं कहता हूँ 101% जीता हुआ है हमारा कैंडिडेट। और इंशाअल्लाह आने वाले 4 तारीख के बाद जब हमारा कैंडिडेट अपना खासदार का पदभार संभालेगा तो विकास क्या होता है ये हमारा कैंडिडेट बाल्या मामा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बताएगी शहर को, इंशाअल्लाह ताला।